क्या आप अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये 7 कदम जरूर उठाइएगा। 10x10 का असूल। अगर आप किसी मनफी वाकये सानेहे की वजह से दुखी या परेशान हैं, अपने आप से 3 सवालात कीजिए। क्या इस मामले की 10 दिन बाद आपकी जिंदगी में कोई अहमियत होगी? क्या इस मामले की 10 माह बाद आपकी जिंदगी में कोई अहमियत होगी? क्या इस मामले की 10 साल बाद आपकी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस होगी या नहीं? अगर 3 में से 2 सवालात के जवाबात नहीं में है तो इसको अभी इसी वक्त जहन से झटक कर निकाल दीजिए, यह आपकी कीमती वक्त और फोकस को बर्बाद कर रहा है। फकत सिर्फ 1%, 1% अभी और इसी वक्त अपनी लाइफ के किसी एक हिस्से को सेलेक्ट कीजिए जहां आपको बेहतरी यानी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हो सके तो 4 से 5 एरियाज को सेलेक्ट कीजिए और अभी और इसी वक्त सिर्फ 1%, 1% इंप्रूवमेंट फी दिन के हिसाब से इंप्रूवमेंट लाना शुरू कीजिए। अगर रोज 1% बेहतरी आना शुरू हो गई तो सोचिए 1 साल बाद कितनी बेहतरी होगी। और अगर मुस्तकिल मिजाजी से रोज 1% की बुनियाद पर तरक्की करते रहिए तो सोचिए 5 साल बाद आप में इनकलाबी तब्दीली आ चुकी होगी या नहीं, है ना? तो बस उठाइए कागज कलम और लिखिए कि कहां कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मसलन लैंग्वेज स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स, सेहत और तंदुरुस्ती वगैरह। इसके अलावा आप अपने शोबे के मुताबिक मजीद एरियाज भी हो सकते हैं जो आप खुद किसी के बताए बगैर भी समझ सकते हैं। सोचिए रोज की बुनियाद पर अगर सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट आपको कहां से कहां पहुंचा देगी, सिर्फ 1 से 2 सालों में आप मौजूदा हालत से 10 गुना ज्यादा मजबूत और ज्यादा पुरतमाद होंगे। मनफी चीजों से छुटकारा। अभी और इसी वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाई जाने वाली सनसनीखेज खबरों और हॉट इश्यूज पर बहसों मुबाइसे के चैनल्स को स्टॉप कर दीजिए और हो सके तो इंतहाई जरूरी खबरों के सिवा टीवी ऑन करने से अवॉइड करें। अभी और इसी वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम मनफी किस्म के लोगों, पेजेस और ग्रुप्स को अनफॉलो और अनफ्रेंड कर दीजिए। इन 2 स्टेप्स के बाद अचानक आप महसूस करेंगे कि जिंदगी बहुत ज्यादा पुरसुकून है। माफ कर दीजिए। हम में से कितने लोग हैं जो महीनों कब्ल किसी की जानिब से की गई दिल आजारी को सीने पर लगाए रखते हैं, जिससे और कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारा फोकस मौजूदा जिम्मेदारियों से हट जाता है। तो अभी और इसी वक्त माफ कर दीजिए। याद रखिए, अक्सर लोग बुरे नहीं होते, कभी भी किसी खास सिचुएशन में उनसे कोई बुराई सरजद हो जाती है। ये बुराई उनके किरदार का हिस्सा नहीं होती बल्कि आर्जी रद्द अमल होता है। लिहाजा इस वाक्य से जरूरी सबक लीजिए और जो हुआ भूल कर आगे बढ़ते जाएं। रोज शुक्र अदा कीजिए। दिन का आगाज खुदा के हजूर अदायगी शुक्र से कीजिए। आपकी सेहत, आपका घर बार, आपकी मुलाजमत, कारोबार, आपकी स्किल्स, टैलेंट, आपकी वो सिफात जिनके सबब आपको लोगों में पजीराई होती है, ये सब खुदा की नेमतें हैं जिन्हें आप गिनना चाहें तो शुमार ना कर सकें। लिहाजा एक एक नेमत को याद कीजिए और ज़ुबान हाल से और कभी ज़ुबान काल से खुदा के शुक्र को ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लीजिए। खुदा की सुन्नत है कि वो शुक्र करने वालों को मजीद देता है और नाशुक्रों का रिज़्क तंग कर दिया जाता है। आपका शुक्रगुजारी का ये जज्बा जिंदगी में भी पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा और आप खुद अपने आप को खुश, मुतमईन और मस्बत महसूस करेंगे। ये आपके जज्बात को मजबूत और आपको पुरउम्मीद बनाएगा। क्या ख्याल है, कामयाबी के लिए मजबूत जज्बात और उम्मीद बेहतरीन ज़ादेरा नहीं है? तो अभी इसी वक्त से शुक्र को लाजमी कीजिए अपनी जिंदगी में। और हाँ, एक और बात, जिस्मानी सेहत का ख्याल रखिए। आपका जिस्म आपके लिए सब कुछ है। ये सेहतमंद नहीं तो दुनिया का कोई काम
कोई जिम्मेदारी अदा करने के मुमकिन नहीं है। लिहाजा जिस्मानी सेहत के लिए मुतवाजन गिजा और हल्की पुल्की वर्जिश को रूटीन बनाइए। रोजाना चंद मिनट से शुरू कीजिए और कम अज कम आधा घंटा वर्जिश को मामूल बनाकर हमेशा के लिए फिट एंड फाइन हो जाएंगे। आपकी फिटनेस आपके मूड पर भी अच्छा असर डालती है। व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड। आप एक कीमती कार तब्दील कर सकते हैं, लेकिन एक बार जिस्म खुदा की तरफ से अगर आपको जिस्म अदा किया गया है तो अगर आपकी सेहत खराब हो गई तो उसे आपको तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए अभी और इसी वक्त फैसला कीजिए और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अपने जिस्म का ख्याल कीजिए। मुताला कीजिए, स्टडी कीजिए, महीने में कम से कम एक किताब खत्म कीजिए। मुताला आपके जहनी उफ्क को वसी और सोचे फिक्र को जला बख्शता है। यह आपके जहनी रवैये में इनकलाबी तब्दीलियां पैदा करता है। क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स की रीडिंग हैबिट्स 6 घंटे पर डे है? वॉरेन बफेट एक दिन में 600 से 1000 पेजेस का मुतालिया करता है। मार्क जकरबर्ग हफ्ते में 2 किताबें खत्म करने का आदी है। ये तमाम लोग दुनिया में कामयाब लोगों की फहरिस्त में शुमार होते हैं। फिर उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है? दोस्तों वही रीजन है जो ऊपर बयान की। मुतालिया आपकी जहनी उफ्क को वसी और आपकी सोचो फिक्र को जला बख्शता है। हर कामयाब इंसान की जिंदगी उठाकर देख लें, मुतालिया की आदत सबसे नुमाया नजर आएगी। अब आपको 2 बोनस आदात बताता हूं। एक वक्त में एक टास्क, बी बाइनरी यानी मल्टी टास्किंग से गुरेज कीजिए। एक वक्त में एक टास्क उठाइए और उसे मुकम्मल करने तक दूसरे टास्क मत लीजिए। फोकस आपकी सलाहियतों को 4 चांद लगा देता है। जो काम कीजिए पूरी लगन और खुश दिली से कीजिए, फिर देखिए यकलख दुनिया बदली बदली महसूस होगी। दूसरी आदत, दिन का आगाज पालो कोलो के इस खूबसूरत कॉल से कीजिए। जब आप किसी मस्बत काम को कर डालने की ठान लेते हैं तो सारी कायनात इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में आपके साथ साजिश में शरीक हो जाती है। मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा बेहतरीन और कीमती कॉल कोई नहीं हो सकता। बिलाशुबा ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ, एक आफाकी सच्चाई है कि जब आप किसी काम का सच्चा और मुसम्मम इरादा कर लेते हैं तो हालात और वाकियात इस डायरेक्शन में मुड़ना शुरू हो जाते हैं। बात सिर्फ सच्चे इरादे और अज़म की है। तो क्या ख्याल है, शुरू करें आज से? क्या कहा, अभी से तो करें शुरू। मैं आपके साथ हूं। मैं हूं होम्योपैथिशियन डॉक्टर असद महमूद। अगर आप होम्योपैथिक तरीका इलाज, किसी भी बीमारी या किसी भी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, या मेडिसिन ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई वेबसाइट को जरूर विजिट करें।